तो यार आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी एक न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 25 to 30 days से मैंने खेला नहीं है पबजी। आज खेला है और इसमें मेरी सोलो, डुओ और स्क्वाड तीनों की वीडियो है। तो अब यहाँ पे स्कारेल मिल जाती है स्कूल के उतरते ही, तो यार बंदे को खेलने में तो चला जाता हूँ, बट यार जो मैं हकता हूँ ना उसके लिए, मतलब भाई जब तुम नहीं खेलोगे 20-25 दिन तक लगातार कोई गेम, तो भाई थोड़ा तो हाथ उठ ही जाता है उस गेम पे से। पर यार इसको जैसे तैसे मार दिया। अब साथ में दो बंदे और थे, तो उसमें से जैसे ही इस वाले को मारा उसके बाद तुरंत मुझे दूसरे बंदे की फुटस्टेप आ जाती है। तो यार इस कारेल में तो अब बुलेट्स थी नहीं, तो मैं शॉटगन से ट्राई करता हूँ उस पर एम लेने का, बट वही दिक्कत, एम ही नहीं ले पाता सही से क्योंकि काफ़ी टाइम से खेला नहीं था। तो यार अब मैं जैसे ही नीचे आता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो मेरी किस्मत चमक जाती है भाई, 6x और M4 साथ में मिल जाती है। ये बंदा दिख नहीं रहा था यहाँ पे, फाइनली टकरा गया वो मुझसे एकदम से, पर जैसे ही मैंने फायर दिया वो भाग के सीधे टेरेस पे चला गया स्कूल की। तो मैं दूसरी साइड से ऊपर टेरेस पे चले जाता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। मुझे पता था वो वहाँ पे TPP जरूर ले रहा होगा, वो ले भी रहा था। तो मैं सोचता हूँ अब मैं उस पर रश मारूँ, क्योंकि वो तो भाई कैंपर था। अब यहाँ पे ट्राई किया पर उसने पीक ही नहीं दी। अभी ये देखो भाई, किसी को हिप फायर देना है भाई ऐसे दो यार, बगल में आओ कूदो उनकी पीठ के पीछे पहुंचो और फिर मारो। अब इतने में तीसरे और आखिरी बंदे की फुटस्टेप आती है, जो कि स्कूल के बाहर से आती है मुझे। अब मैं देखता हूं कि वो कहां पर है, पर यार बॉट निकला भाई ये तो उसको तो मार दिया, लूट वूट कर लिया, स्कूल में कोई था नहीं। तो अपन जाते हैं अब सीधा रोजॉक की हिल पर। अब देखो तुम लोगों ने सांप तो बहुत देखे हैं, है ना, किंग कोबरा, ब्लैक मांबा बहुत देखे होंगे, हर एक मैप में मिल जाते हैं, इवन मीरामार में भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक खरगोश दिखाई देता है, वो भी पहली बार पबजी के अंदर एक खरगोश। मतलब क्या भाई, कुछ लोग कुछ भी पहन लेते हैं यार, कोई सा भी हेड गेयर। अब यहाँ पे भाई हाथ में गन नहीं थी और सामने बंदा दिख गया मुझे, मेरी फट गई भाई, पर किस्मत अच्छी थी कि वो बॉट निकला है। तो यार भाई अब इस खरगोश को तो मार दिया, उसके बाद उस बॉट को भी मार दिया, थोड़ी बहुत लूट करी, रोजॉक में देखा कोई दिखा नहीं, तो सीधे नीचे आ जाते हैं अपन गैराज पे। बहुत देखा यार यहाँ पे, लूटेड तो था ये पूरा पर कहीं बंदा ही नहीं दिखा। तो मैंने कहा चलो ठीक है गैराज में जाते हैं, गाड़ी दिखी गई है, गाड़ी उठा के सीधा कोचिंग की जाते हैं। तो अब यहाँ से मैं निकल जाता हूँ कोचिंग की के लिए। पर अब इस बीच में सीन क्या होता है जरा देखो बस। अब मतलब भाई वो बंदा पता नहीं कब से वहां पे बैठा हुआ है, वो बस यही वेट कर रहा है कि मैं कब गाड़ी उठा के निकलूँ और वो मुझ पर फायर दे। मैंने कहा अब रुको भाई, ऐसा तो नहीं होता भाई बिल्कुल भी, भले ही बहुत टाइम से नहीं खेला पर मारेंगे जरूर भाई बंदों को, क्योंकि रश गेम प्ले खेलना है अपन को, तो हाथ जमाना है उसके लिए रश गेम प्ले खेलना पड़ेगा। इतने में उसके पास एक बॉट आता है, तो वो बॉट को मार देता है। फिर मैं स्नाइपर टावर में चले जाता हूँ, क्योंकि बाहर रहना भाई मेरे लिए तो फुल ओपन हो जाएगा, वो फिर भी रिच के कवर में रहेगा। तो अब वो मुझे वहां से हल्की सी पीक देता हुआ दिखता है, अब देखो कैसे पेलते हैं, मतलब भाई बिल्कुल ईजी मार दिया। और हाँ मेरा एम असिस्ट हमेशा ऑफ रहता है, तो उस हिसाब से मेरा स्प्रे बहुत अच्छा था, और फिर मैं 20-25 दिन बाद भी खेल रहा हूँ तो सही गया मेरा स्प्रे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब उसको लूट करके तुरंत मैं पोचिंग की आ जाता हूँ। अब ये लूटेड तो था पोचिंग की, पर बंदा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा पोचिंग की के मेन रोड से निकल के जाता हूँ। अब जैसे ही यहाँ से जा रहा था, तो ट्रिपल के पीछे देखो, ट्रिपल स्टोरी के वहाँ पे एक US खड़ी थी और बंदे की फुटस्टेप आई। तो मैं इस वाली ट्रिपल स्टोरी पे रुक जाता हूँ और सीधा टेरेस पे चला जाता हूँ इसकी, बिना टाइम वेस्ट करे। अब मेरा सिंपल सा फंडा था भाई, या तो वो मुझ पे रश कर दे या मैं उस पे कर दूंगा। तो वो तो भाई था कैंपर एक नंबर का, अलग ही समझ में आ रहा था, ना फुटस्टेप दे रहा है ना कुछ कर रहा है, वो मतलब देख भी नहीं रहा मुझे। तो मैं उस पर रश मार देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मुझे वो थोड़ा सा दिखाई दे जाता है गेट पे, तो मैं सोचता हूँ नेट ट्राई कर देता हूँ। और भाई नेट देखो, क्या तो OP नेट हुआ भाई उसके लिए, इसी के। अब भाई इसके बाद हो जाता है पूरा मैच बोरिंग। अब मैं जैसे ही इसको लूट के थोड़ा अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और घूमता हूँ, कोई दिखाई नहीं देता भाई पूरे मैप में, कोई भी नहीं दिखता। फिर मैं जब फाइनली बहुत घूमने फिरने के बाद स्कूल अपार्ट्स वापस जाता हूँ, तो वहाँ पे मिलता तो कोई नहीं है। मैं वहाँ से भी आके निकल जाता हूँ अच्छे से, पर
पर जैसे ही मैं स्कूल अपार्ट से थोड़े आगे जाता हूँ तो एक बंदा मुझे फायर करके बुलाता है, वो भी उजी का एक बस सिंगल टैप। इसका क्लियर मीनिंग था कि वो मुझे फाइट के लिए बुला रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, फाइट तो लेनी है यार, इसीलिए तो पबजी खेल रहे हैं, वरना पबजी खेल क्यों रहे हैं अगर फाइट नहीं लेनी तो। आ गए भाई, अब मेरा मन था कि मैं सीधा रश मार दूंगा, अंधा रश उसके ऊपर, पर इतने में मुझे उसके लेटने की और खिड़की के पास रहने की आवाज़ आ गई। तो मैंने कहा एक बार नेट ट्राई कर लेते हैं, ये बड़ा अच्छा एंगल होता है, क्योंकि इस एंगल से कई बार बंदे इजी मर जाते हैं नेट से। पर यार ये मरा नहीं, और इसकी फुटस्टेप से मुझे लगा कि ये लेफ्ट साइड में भागा है, पर देखो नहीं भाई, वो राइट में था, और फिर तो बस क्या था भाई। अब मैंने सोचा कि सोलो में तो दाल नहीं गली, चलो डुओ खेलते हैं। चिकन विंग्स को साथ में ले लिया भाई, अपने पार्टनर को मैंने, शायद वो चिकन दिला दे मुझे, नाम में भी चिकन है यार। तो अब यहाँ पे हम लोग डुओ खेल रहे होते हैं, पोचिंग की उतरे होते हैं। यहाँ पे होते हैं एक डुओ हमारे साथ उतरा होता है बस, तो वो हमारे सामने होता है। अब हम देख रहे होते हैं सामने ट्रिपल की छत पे से वो बंदा जंप करके ऑरेंज टॉप पे जा रहा होता है। तो अब देखो उसको कितना मैंने डैमेज दिया, पर यार वो नॉक नहीं हुआ। इतने में उसका दूसरा बंदा मेरे मतलब चिकन विंग्स के ऊपर रश मार देता है और नॉक कर देता है। तो यार इसको तो इजी नॉक कर दिया अपन ने। फिर सोचता हूँ कि इसको फिनिश भी कर दूँ, पर फिर सोचता हूँ मैंने इसके बंदे को बहुत डैमेज दिया था, तो पहले अपने बंदे को रिवाइव दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, क्योंकि वो रश तो मारेगा नहीं, वो खुद हील करेगा, और ना वो रिवाइव देने आएगा अपने बंदे को इतनी देर में। तो मैं रिवाइव तो ईजी दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखना मेरे साथ फिर से वही साउंड का, मतलब क्या लगता है मुझे, पर मुझे ऐसा लगा कि वो राइट में आगे निकल गया, पर ये देखो भाई वो वहीं पे दीवार में खड़ा खड़ा, भाई पता नहीं दीवार में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था। पर भाई यहाँ पे विंग्स ने भाई 0 HP पे उसे मार दिया भाई, शॉटगन भर दी भाई उसके मुंह में। अब यार यहाँ पे थोड़ी पिटाई विटाई हो गई थी, तो पट्टी वट्टी कर ली अपन ने, मरम पट्टी करी थोड़ी, फिर हम लोग लूट करने लग जाते हैं। इतने में मुझे साउंड आती है एक US के आने की, जो कि पोचिंग की के 6 houses पे यहाँ पर आई हुई होती है। तो चिकन विंग्स को बंदा स्पॉट हो जाता है, तो अब देखो भाई इसे क्या भरते हैं ना अपन उजी से, देखो बस भाई इस स्प्रे के बाद ना मुझे खुद पे डाउट हो गया था कि कहीं मेरा एम असिस्ट तो ऑन नहीं है, पर नहीं यार एम असिस्ट ऑफ था, मैंने देखा चेक किया, बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा स्प्रे गया, मैं और क्या बोलूँगा अब इसके बारे में। चलो अब वहाँ से हम लोग जॉर्जो जा रहे होते हैं, तो जॉर्जो जाते में हमें एक फ्लेयर दिखाई देती है पीछे की साइड पर। इतने में जब फ्लेयर के लिए मुड़ते हैं तो हम लोगों को वाटर सिटी से साउंड्स आती है, गनशॉट आते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो डुओ होता है उसने अभी एक डुओ को मारा होता है, और ये लोग यहाँ पे ही बैठे होते हैं। अब बंदा तो सामने दिख गया, अब मैं चला जाता हूँ भाई उसी पकड़ के हाथ में, उस पर रश मार देता हूँ, और अब देखो मैं क्या स्प्रे हकता हूँ, ये देखो भाई। और भाई यहाँ पे अगर इसकी रिलोड नहीं आई होती और भाई विंग्स सही टाइम पे नहीं आया होता ना, ये भाई खा जाता मुझे, बहुत आराम से खाता। तो यार उसको तो फिनिश कर दिया विंग्स ने। अब मैंने कहा भाई तू पहले उसके दूसरे बंदे को मार, तब मुझे रिवाइव देना। तो वो उसको मार के आराम से 1v2 कर देता है और मुझे रिवाइव दे देता है। तो यार अब यहाँ पे रिवाइव फिर से पिट गए थे भाई, तो थोड़ी मरहम पट्टी करनी पड़ती है, थोड़ा लूट वूट करी, उसके बाद 2-3 bots आ जाते हैं तो किल मिल जाते हैं। अब फिर हम लोग वापस जॉर्जो जा रहे होते हैं, तो हम लोग को ये वाले स्क्वाड हाउस से साउंड आती है गनशॉट्स। तो भाई अब मैं सोचता हूँ कार 98 है हाथ में, लॉन्ग रेंज लेते हैं फाइट। तो अब बहुत ट्राई करता हूँ कि कोई दिख जाए कहीं से, एंगल मिल जाए, पर नहीं यार कुछ नहीं हो पाता। वहाँ पे 2 duo आपस में लड़ रहे होते हैं। अब मैं पूरा आगे तक भी आ जाता हूँ, उसके बाद बस एक बंदा थोड़ा सा स्पॉट होता है और फिर वो अंदर चला जाता है। तो मैंने कहा भाई रहने दो, अपन तो क्लोज रेंज ही जाते हैं, तो मैं उन पर पुश मार देता हूँ अकेला ही। अब ये देखो एक मिनट रुक जा, मुझे 100% पता था कि बंदा वहाँ पे होगा, इसलिए मैं गया नहीं तुरंत। और अब देखो कैसे भरते हैं, ये पहला भर दिया, और अब देखो दूसरा, बहुत ईजी 1v2 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे से हम लोग थोड़ा लूट वूट करते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा जॉर्जो के लिए, गाड़ी वाड़ी उठा के सीधा जॉर्जो के लिए। फाइनली भाई फाइनली हम लोग जॉर्जो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तब से 3 रुक चुके थे हम लोग जॉर्जो जाने से। अब यहाँ पे एंट्री देखो, ऐसा लगा भाई जैसे छत तोड़ के सीधा ऊपर ही निकल जाएंगे हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री होगी हमारी अपने चिकन विंग्स ओपी भाई।
तो यार अब यहाँ पे तो अभी देखते नहीं हैं पूरे में, एक देखता तो ये फॉग भाई कोई दिखता नहीं है, फिर एक गाड़ी आती है, स्प्रे गाड़ी। देते हैं उसको, पर इससे में एक और गाड़ी आती है वहां पे, अब मैं उसको स्प्रे देने लगता हूँ, पर इतने में ही पीछे से विंग्स को कोई ऑन से नॉक कर देता है पीछे वाले बंदे। नॉक होंगे। अब भाई यहाँ पे मैं आ गया था प्रेशर में, एक तो इतने टाइम बाद अच्छा खेल रहा ठीक था है, और फुल इधर प्रेशर था अब मेरे वेट कर ऊपर, रहे थे क्योंकि सीढ़ियों पे। बंदे भी अच्छे थे वो खेलने वाले। अब यहाँ पे देखो क्या बेवकूफी करी, खुद का ही नेट करके खुद ही जाके खड़ा हो गया वहां पे। वो तो मरा नहीं, ऊपर वो नेड़ आया भाई, लक था भाई, मरा नहीं, वरना सामने ही कोई नहीं पड़ा था, कोई नीट नहीं। मर जाता। अब यहाँ पे देखो भाई दोनों ने अंधा रश मार दिया मेरे ऊपर, पर भाई पता नहीं कहाँ देख रहे थे, मैंने 2 बार फायर भी दे दिया, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं साइड वाली उस ओ पे भाई छत पर हूँ। तेरे अब से मैं नीचे कूद के वापस ऊपर यहाँ पे आके टीपीपी लेने लगता हूँ, और सोच रहा होता हूँ कि यार इनमें से कोई एक या तो नीचे कूद जाए या कोई एक अकेला मेरे पास आ जाए तो मैं मारने का ट्राई करूँ, क्योंकि भाई दो लोगों में अगर मैं अकेला घुसूंगा तो ऑब्वियसली मुझे मरना ही है सीधी सीधी फाइट में। तो मैं बहुत वेट करता हूँ यहाँ पे उनका, वो लोग छत पे घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं मुझे। फिर उसके बाद एक बंदा फाइनली नीचे वाली छत पे आ जाता है, अब मैं उसे देख रहा होता हूँ, पर दूसरा बंदा ऊपर ही होता है, इसलिए मैं रश नहीं मारता उसके ऊपर, क्योंकि वो हाँ ऊपर से दूसरा उसे वो कवर दे डेंजर सकता सा था। बंदा है। अब यहाँ पे ये मुझे देख लेता है तो मुझे रश मारना ही पड़ता है उस पर, तो कर ही क्या सकते थे। ये था पीछे से उसका बंदा था ही, दोनों ने साथ में फायर दे दिया मुझे फिर से। फिर भाई मैंने कहा चलो ठीक है, डुओ में कुछ नहीं हुआ, अब अपन पारस को भी साथ में ले लेते हैं, ट्रायो और वर्सेस अगर स्क्वाड तुम खेलते आ हैं। जाओ खुद से तो वॉच भाई अब यहाँ पे 3 स्क्वाड उतरी थी पोचिंग की में, उसमें से आउट। पहली वाली ये रही, एक बंदा नॉक है, दूसरा बंदा ये नॉक में कर ही देता हूँ, उसके बाद तीसरा बंदा विंग्स नॉक कर देता है, और चौथा जो होता है सामने वाले घर में होता है ऑरेंज टॉप में, और ये कूदता है। तो भाई ये स्क्वाड तो पूरी फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही हम लूट कर रहे होते हैं, सेंटर में एक और इतने में स्क्वाड आ विंग्स गए, के था अंदर एक और स्क्वाड आ गई, तो भाई जल्दी से पट्टी वट्टी करके लूट वूट करके तुरंत आ घुस गए। जाते वॉच हैं इनसे आउट। फाइट लेने। अब बस इधर देखो यहाँ पे, अब बहुत मतलब इतनी भसड़ हो रखी थी कि गन रिलोड करने का तक टाइम नहीं मिल रहा था। देखो मैं कहाँ पे आके गन रिलोड कर रहा हूँ भाई, विंग्स तो मतलब घुस ही जा रहा था उन लोगों में, दे नॉक दे नॉक। ये था इनका आखिरी बंदा, वो मेरी दोनों गन थी रीलोडिंग पे, इतने में ऊपर वो चल कहता चल 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 चल, चल। मैंने कहा रीलोड तो करने थे, पर भाई जैसे जैसे फाइनली ओ रीलोड भाई वो करके सी कभी मार देता हूँ नहीं उसको बंदे देखता को। ऐसा। तो यहाँ पे देखो अब 2 स्क्वाड हम लोग ऑलरेडी मार चुके हैं, अब यहाँ पे एक और स्क्वाड जो भाई उतरी थी बेड़ा वो भूत आ आखिरी गया बची भाई, हुई है। अब जैसे ही मैं विंग्स को रिवाइव देता हूँ, हम लोग पता है थोड़ी ना लूट वूट कवर करते यहाँ हैं, से उसके कवर बाद पर आगे निकलते हैं तो भाई पोचिंग की के 5 हाउसेस पे मुझे दो कुछ बंदे भरत मिलाप करते हुए दिखाई देते हैं। बस चलो देखो भाई जरा बाकी का सामने, पीछे देखते ऐसा हैं। लग रहा है जैसे पता ये नहीं वाला भाई मर कितने गया तो सालों फाइनल बाद मर एक गया, दूसरे से मिल रहे हैं, गले वले लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, चलो देखना फिर भाई कुछ नहीं। पबजी है भाई, क्या कर रहे हैं ये सब, ध्यान तो दो इधर उधर, बंदे हो सकते हैं भाई। तो अब भाई दूसरा बंदा नॉक क्यों नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, वो पबजी जाने भाई, डैमेज तो फुल दिया था उसको। अब उसके बाद एक बंदा इनका नॉक था, दूसरा बंदा राइट में था, तीसरा बंदा लेफ्ट में था, चौथा बंदा उसे रिवाइव दे रहा था। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ चौथा बंदा दिखता है उनका, फिर जो रिवाइव अभी हुआ होता है मैं उसको फिर से नॉक कर देता हूँ, और फिर भाई पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, मैं सीधे घर में अंदर घुस जाता हूँ। बड़े वाले घर पे क्या? इतने में एक बंदा नीचे से आता है, तो भाई उसको भाई थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर सोचता हूँ ऊपर जाऊँ, पर इतने में नीचे से दूसरा आ जाता है तो उसको नॉक करता हूँ, और फिर मैं रिलोड करके बस सोच ही रहा होता हूँ कि मैं वापस रिवर्स ऊपर सही जाऊँ कर उसे जाता मारने, है फिर पर इतने जैसे में ये दोनों भी। चले जाते हैं, तो मैंने कहा मैं बाहर आ जाता हूँ कहीं वो बाहर से ना भागे, पर वो नहीं भागता, वो लोग मार देते हैं ऊपर। भाई तो क्या यहाँ ही पे भाई बिजनेस तीनों स्क्वाड मार दी हम लोगों ने करते मिलके। हैं अब यहाँ पे एक आखिरी अपने बोर्ड दादा भाई, आते यहाँ हैं, पे जो तो कि बिजनेस बताते करते हैं हैं कि लोग भाई इतने सब लोग खत्म, हैं। मैं आखिरी हूँ, मुझे मार दो, कोचिंग की में बंदे खत्म। ये भाई आप लड़ तूने इससे तो फिर ही कर बस दिया भाई भाई, इनके साथ कोचिंग की में बंदे खत्म हो मैं जाते तो हैं, अब तो ही हम लोग खत्म थोड़ी कर बहुत दूंगा। लूट करते हैं, पट्टी वट्टी करते हैं, और सीधा निकलते हैं और आते हैं रोजॉक। रोजॉक की हिल पे आते ही रोजॉक के वेयरहाउस से हम लोगों पे फायर होता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। तो मैं जैसे ही रिवाइव मिलता है मैं कहता हूँ भाई तू तो चल, अपन सीधा रश मारेंगे, मैंने फुल हील भी नहीं वो करा, पेड़ पे कुछ ही है, भी नहीं वो करा, पेड़ पे बस ऐसे ही रश वाला पर पेड़ पे करवा ही दिया मरने मैंने। वाले थे तो अब देखो बिजनेस खामियाजा करके। भुगतना पड़ेगा, अब ये पहला तो मैं नॉक कर देता हूँ इजी, अब देखो भाई मैं खुद भी बहुत इजी नॉक हो जाता हूँ। अब यार इतना भी क्या अंदर है, हील तो करनी चाहिए थी मुझे ऑब्वियसली थोड़ी बहुत, पर ठीक है मेरे बंदे संभाल लेते हैं, आराम से मार देते हैं पारस और विंस उन दोनों को, बाकी के 2 बंदों को। वो बंदे अब थे यार क्या? यहाँ पे फिर से नॉक हो गए भाई, पट्टी तीन वट्टी बंदे करनी चार पड़ेगी अब बंदे अच्छे से। चार
करते हैं थोड़ी बहुत पट्टी, तो हम लोग रिवर क्रॉस करके इस साइड आ जाते हैं और शूटिंग रेंज जाने का ट्राई करते हैं, बट इतने में रोज ऑफ हिल पे हम लोगों को फ्लेयर दिखाई देती है। तो भाई अब हम सीधे चले जाते हैं फ्लेयर की साइड में, तो विंग्स कहता है राइट वाली साइड में रोकना गाड़ी, वहाँ पे से अपन करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो भाई राइट वाली साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे से हम लोग, अब तुम बस सीन देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम फायर देना चालू करते हैं मेरे साथ क्या होता है, भाई मतलब हेलमेट उड़ गया, वेस्ट हाफ हो गई है मेरी, विंग्स नॉक हो गया, भाई सब कुछ हो गया, हम लोगों का बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे आके इन लोगों से फाइट लेके। अब यहाँ पे हील कर रहा था, हील भी नहीं हुआ भाई, वो बिल्कुल 0.1 सेकंड पे हील भी कैंसिल हो गया। अब मैंने दोबारा हील करा तो इतने में विंग्स कहता है उनके दो नॉक हैं, मैंने कहा भाई जल्दी से रश मारो ना, अगर उनके दो नॉक हैं तो मैं और पारस आगे क्लोज इन करते हैं, विंग्स पीछे हील कर रहा होता है, तो हम लोग यहाँ से नेट वेट करके क्लोज इन करते हैं। और भाई जैसा मैंने कहा यहाँ पे भाई हुआ है बेड़ा गर्क, कुछ नहीं कर सकते थे भाई। जाते हैं वो कहते हैं कि विंग्स कहता है सारे लेफ्ट में, पर वो लोग होते हैं राइट में, भाई एक आता है दो आता है फिर तीन, सब आ जाते हैं भाई हम लोगों के ऊपर। People change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when.